गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 3 मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट स्टार्ट द प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स वाले जो मल्टीप्लाई जो है सीखे थे, और आज फिर हम इस आज की क्लास में 3 डिजिट्स वाले जो मल्टीप्लाई जो है वो सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ओके, तो पहला हमारा जो नंबर है वो है आपका 286 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। ओके स्टूडेंट्स, सो करते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो 5 है और इस 5 को हम ये जो तीनों डिजिट्स हैं इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 6 30 का 0 एंड 3 जो है वो आपके पास कैरी, एंड 5 8 40 40 और 3 43 का 3 4 कैरी, 5 2 10 और जो 4 आपका कैरी था वो 14। सो आप यहाँ पे लिखोगे 14। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो नंबर दिया गया है आपको 5 दिया था 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्रॉस का साइन जो है वो पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इन जो ये जो 3 नंबर्स दिए हुए इन तीनों नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 6 12 का 2 1 केरी, 2 8 16 और 1 17 का 7 एंड 1 केरी, 2 और 2 4 2 2 4 और 1 5। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाला ये जो 1 है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देन अब जो 3rd नंबर है इसके लिए हमें यहाँ पर 2 बार जो है वो क्रॉस लगाने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो करते हैं इनको मल्टीप्लाई 1 और 2, 2 बार जो क्रॉस है पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस जो 1 है इस 1 को हम इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 8 से किया 8, 1 को 2 से किया 2। ओके, अब लास्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों ये जो तीनों जो लाइनें थी हमें दी गई हमने मल्टीप्लाई किया, अभी इन तीनों लाइनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो 0 का 0 3 and 2 5 4 and 7 11 11 and 6 17 17 का 7 1 KV 1 and 1 2 5 4 to 7 7 or 8 15 15 का 5 1 KV 2 and 1 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मल्टीप्लाई जो है वो समझ में आया है। सो चलो स्टूडेंट्स, एक और मल्टीप्लाई जो हम आज सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 677 को 212 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं हम 2 से। 2 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल 7 टाइम्स हम बोलेंगे तो आएगा 2 7 14 का 4 1 KV 2 7 14 एंड 1 जो कैरी था वो 5 15 15 का 5 एंड 1 KV 2 की टेबल अब 6 टाइम्स बोलेंगे हम, 6 6 2 12 2 6 12 12 एंड 1 जो हमारे वो कैरी थी, तो देन 12 and 1 13 13 का 13 हम यहाँ पुटअप करेंगे। अब जो नेक्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करने से पहले हम नीचे एक क्रॉस का साइन लगाएंगे। ओके, अब 1 को 7 से किया 7, 1 को 7 से किया 7, 1 की टेबल 6 टाइम बोला 6। ओके, अब बात करते हैं 2 की। अब करेंगे हम इस 2 को इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई। इससे पहले हम यहाँ पे 2 जो है वो क्रॉस के साइन जो है वो पुटअप करेंगे। अब करते हैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 2 7 14 का 4 1 कैरी 2 7 14 एंड 1 15 का 5 1 कैरी 2 6 12 एंड जो 1 था कैरी वो 13। सो 13 का 13 हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 का 4 5 and 7 का 12 का 2 1 कैरी 3 and 1 4 4 and 7 11 11 and 4 15 15 का 5 1 कैरी 1 and 1 2 6 or 2 8 8 or 5 13 का 3 1 कैरी 3 and 1 4 1 का 1। सो इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 1,43,524। ओके स्टूडेंट्स,
एज लाइक आप ये जो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं मल्टीप्लेशन हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें बोला गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आपको क्या करना है, इंडियन नंबर में इन सारे जो नंबर्स है देवनागरी स्क्रिप्ट में इन सारे नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, पीछे वाली क्लासेस में मैंने आपको देवनागरी स्क्रिप्ट मीन्स इंडियन जो नंबर्स है उनकी जो लैंग्वेज है वो जो नंबर है आपको लिख के बताए थे। आई होप आपको वो सारे जो नंबर्स है वो याद है। सो सॉल्व करते हैं पहला जो नंबर है, उससे पहले मैं आपको सारी जो काउंटिंग है वो एक बार फिर रिपीट कर देना चाहूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 1 को हम लिखेंगे 1, 2 को एज लाइक, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को हम लिखेंगे ऐसे, 6 को ऐसे एंड 7 को हम लिखेंगे इस टाइप से एंड 8 जो है हम लिखेंगे ऐसे। 9 को जो 1 बनाते हैं उसके जैसा उल्टा 1 एज लाइक, ओके। 10 को 1 एंड 0, ओके। आई होप आपको ये सारे जो नंबर्स है वो आपको याद है और रिपीट भी मैंने कर दिए हैं। सो सॉल्व करते हैं हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इस 4 को ऊपर ये तीनों डिजिट्स हैं इनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8, 8 का हम यहाँ 8 पुट अप करेंगे, देन 4 को करेंगे 6 से, 4 6 जा 24, 24 का 4 यहाँ लिखेंगे, 2 फिर हमारा कैरी रहेगा, फिर 4 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, देन हम यहाँ पे 22 जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे क्रॉस का सिंबल जो है वो पुट अप करेंगे, देन हमारा ये जो नेक्स्ट हमारा जो 8 है इस 8 को हम तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा 16, 16 का 6, फिर आपका 1 कैरी। अब इस 8 को 6 से करेंगे, 8 6 जा 48, 48 और 1 आपका जो था कैरी था तो 49 हो गया, 49 का 9 आप यहाँ पे पुट अप करोगे, 4 जो है वो आपका कैरी है। अब आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40, 40 और 4 आपका जो था स्टूडेंट्स कैरी था, देन आपका आंसर हुआ 44, देन आप यहाँ पे 44 जो है वो पुट करोगे। नेक्स्ट ये जो 3 है इस 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले नीचे हम 2 टाइम्स जो है वो क्रॉस के सिंबल जो है वो पुट करेंगे, देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 का 6, अब 3 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 18 का 8 1, 8 पुट करेंगे एंड 1 जो है वो कैरी रहेगा। अब नेक्स्ट इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 जा 15, 15 और 1 जो था आपका कैरी था 16 हो गया, देन यहाँ पे आप लिखोगे 16, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 8 का 8 और ये 4 था और 6 था, 4 और 6 10, 10 का 0, 1 जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास कैरी है, 1 और 2 3, 3 के बाद में आपका 9 है तो 3 और 9 आपका हो गया 12, 12 और 6 आपका हो जाएगा 18, 18 का 8 पुट करोगे 1 कैरी रहेगा, 2 एंड 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 का 5 1 कैरी, ओके, 4 एंड 1 5, 5 और 6 11, 11 का 1 1 आपका जो है वो कैरी रहेगा, 1 एंड 1 आपका हो जाएगा 2, ओके स्टूडेंट्स। एज लाइक आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं देवनागरी स्क्रिप्ट वाले जो है मल्टीप्लेशंस जो है वो सॉल्व करने हैं, ओके। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है ए पैकेट ऑफ टॉफीज कंटेन 225 टॉफीज, हाउ मच टॉफीज आर कंटेन इन सच 445 पैकेट्स। एक पैकेट में 225 टॉफीज आती है और वैसे ही 45 पैकेट्स में टोटल जो है वो कितनी जो टॉफीज़ है वो आएगी। सो आप इसके लिए क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल टॉफीज़ इन ए पैकेट, देन आप लिखोगे टोटल टॉफी इन 45 पैकेट्स।
एक पैकेट की हमें जो अमाउंट है वो दी गई है और एक से ज़्यादा जो है वो पैकेट्स की निकालनी है। सो हम क्या करेंगे इसके लिए, मल्टीप्लाई। तो 225 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो हमारा आंसर आएगा 10125। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लैंग्वेज, देयर आर 165 स्टूडेंट्स इन ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ताड़ा। ए डोनर डोनेट रुपीज़ 550 पर स्टूडेंट फॉर यूनिफॉर्म, स्टेट द अमाउंट डोनेटेड बाय द डोनर। आप एक स्टूडेंट, एक स्कूल में 165 जो है वो स्टूडेंट्स है, एक डोनर ने एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म के लिए 550 जो रुपीज़ है वो डोनेट की। आपको बताना है टोटल जो डोनर है उसने टोटल जो है कितनी अमाउंट जो है वो डोनेट की है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इन ए स्कूल 165 रुपीज़ डोनेटेड फॉर वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की ड्रेस के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए हैं 550। टोटल जो है वो हमें अमाउंट निकालनी है एक से ज़्यादा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 165 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90,750। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 की 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन ही है वो सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आए। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी मल्टीप्लिकेशन हैं, आप उनको सॉल्व करोगे, उनकी सारी क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करोगे, यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।